मैं धीरे धीरे चालू होता हुआ एक पॉइंट का इजाफा हुआ यहाँ पर एक पॉइंट से खाता खोला वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर के खिलाड़ियों ने। अब सर्विस होगी, अच्छी सर्विस हल्का सा पुश किया, गिराना चाहते थे लेकिन अभी भी बार हवा में, अच्छा प्रयास, बार बार देखना है सफल होते हैं या नहीं। और अच्छी शॉट लेकिन उतना ही बढ़िया डिफेंस कहा जाएगा गोरखपुर के खिलाड़ियों के द्वारा। अभी की बॉल हवा में, बहुत देर से हवा में गेंद, और ये अच्छी शॉट लेकिन उतना ही जबरदस्त ब्लॉक कहा जाएगा। एक बार फिर से आउट, एक एक पॉइंट से दोनों टीमों का स्कोर बराबर, एक और एक, वन ऑल। आजमगढ़ और वीर बहादुर स्पोर्ट गोरखपुर का मैच चलता हुआ, शानदार मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच। एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ आजमगढ़ के खाते में जाता हुआ इस एक पॉइंट के साथ टोटल पॉइंट दो और एक का मुकाबला। इस एक पॉइंट के साथ दोनों टीमों का स्कोर एक बार फिर से बराबर, टू ऑल। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ आज का पहला मुकाबला ये नेशनल इंटर कॉलेज गुआनिया बेग के इस ग्राउंड में। अच्छी शॉट लेकिन उतना ही जबरदस्त ब्लॉक यहां पर कहा जाएगा, एक पॉइंट लेने में सफल रहे, बिल्कुल दीवार बना दिया एकदम, गेंद को निकलने नहीं दिया, वापस फेंक दिया उन्हीं के फील्ड में। अब सर्विस होगी वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर की तरफ से, अच्छी सर्विस हल्का सा डिफेंस और उतनी ही बढ़िया लाजवाब शॉट यहां पर। तीन और तीन और तीन का मुकाबला, अच्छा डिफेंस वहां पर, देखना है क्या होता है और उतना ही अच्छा ब्लॉक कहा जाएगा। एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ आजमगढ़ की झोली में जाता हुआ इस एक पॉइंट के साथ दोनों टीमों का स्कोर आजमगढ़ चार और वीर बहादुर गोरखपुर तीन, तीन और चार का मुकाबला। आज का ये पहला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच चलता हुआ, अच्छा प्रयास था वहां पर। मैं आप सभी लोगों को बताता चलूं, सभी दर्शकों को बताता चलूं कि इस टूर्नामेंट में अभी जो भी टीमें भाग ली हैं उनका नाम, यानी यार गोरखपुर, आजमगढ़, बाबा हॉस्टल बाडा, स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर, स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ, साई हॉस्टल साई रायबरेली हरियाणा, फैजाबाद हॉस्टल अयोध्या, रामपुर मध्य प्रदेश, ये सब टीमें इस टूर्नामेंट में अभी तक भाग लिया है। अच्छी शॉट वहां पर, एक पॉइंट लेने में और सफल रहे यहां पर आजमगढ़ के खिलाड़ी। दोनों टीमों का स्कोर एक बार फिर से बराबर होता हुआ फाइव ऑल। सर्विस हो गई गोरखपुर की तरफ से, अच्छी सर्विस, पॉइंट लेने में सफल रहे, बहुत ही आकाश के द्वारा 10 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही अच्छी सर्विस कही जाएगी। गोरखपुर के अच्छे सर्विसर माने जाते हैं, दो तीन कदम चल के कुछ छलांग लगाते हैं, सीधे बॉल को पहुंचाते हैं सामने की फील्ड में। अच्छी सर्विस एक बार फिर से, देखना है क्या होता है। आउट यहां पर, सिक्स और रन, दोनों टीमों का लगातार स्कोर बराबर चल रहा है, यानी कि हम किसी से कम नहीं है ये दोनों टीमें साबित कर रही हैं। अच्छा प्रयास, देखने ही गेंद को गिरा दिया, धीरे से हाथ लगाया और सीधे अटैक लाइन में पटक दिया। इसी के साथ वीर बहादुर गोरखपुर का स्कोर सात और राजनगढ़ छह। सर्विस गोरखपुर की तरफ से, उतनी ही लाजवाब शॉट और एक पॉइंट लेने में और सफल रहे गोरखपुर के खिलाड़ी। अब थोड़ा फासला होता हुआ इन दोनों टीमों के स्कोर में, आठ और छह का मुकाबला। सर्विस गोरखपुर की तरफ से, अच्छी सर्विस, उतना ही बढ़िया डिफेंस, और ये देखिए अच्छा प्रयास, बार बार पॉइंट लेने का प्रयास, देखना है सफल होते हैं या नहीं।
अच्छी शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट देखने को मिली पांच नंबर के खिलाड़ी के द्वारा, ऋतिक के द्वारा, बहुत ही अच्छी शॉट। 9-6 का मुकाबला लगातार गोरखपुर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज का शानदार ये पहला मुकाबला वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच चलता हुआ नेशनल इंटर कॉलेज पूर्णिया में 31 ग्राउंड पर। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब शॉट, यहां पर अच्छा बनाव कहा जाएगा आजमगढ़ के वॉलर के द्वारा। अब्दुल रहीम आजमगढ़ के 3 नंबर के खिलाड़ी हैं, आजमगढ़ की तरफ से सर्विस लेकिन आउट। यहां पर एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ गोरखपुर की झोली में जाता हुआ 10-7 का मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच। अब सर्विस होगी गोरखपुर की तरफ से, अच्छी सर्विस लेकिन बाहर से आई हुई तमाम टीमों का हमारी कमेटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है जो भी टीम है इस टूर्नामेंट में भाग लिए, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। आजमगढ़ की झोली में एक पॉइंट और जाता हुआ 9-10 का मुकाबला, अच्छी वापसी यहां पर आजमगढ़ के खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिल रही है। अच्छी शॉट यहां पर आकाश के द्वारा, जो 10 नंबर के खिलाड़ी हैं आकाश गोरखपुर की तरफ से हिट लगाते हैं। आकाश युवराज 13 नंबर के खिलाड़ी गोरखपुर के हैं। अब सर्विस होगी गोरखपुर की तरफ से आजमगढ़ की फील्ड में, अच्छी सर्विस लेकिन हल्का प्लेस ऑफर किया, कोई नुकसान नहीं अभी भी गेंद हवा में। और ये देखिए बहुत ही अच्छी शॉट लेकिन उतना ही बढ़िया ब्लॉक कहा जाएगा। एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ गोरखपुर की झोली। Hey, 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 hey!
संयोजक जनाब सबीर अहमद साहब, अध्यक्ष जनाब श्री मुजीबुल्ला साहब प्रधानाचार्य नेशनल इंटर कॉलेज मुराडिया बेग, उपाध्यक्ष बदले आलम साहब उप प्रधानाचार्य नेशनल इंटर कॉलेज मुराडिया बेग, अच्छी शायद वहां पर लेकिन गेट फील्ड के बाहर अब सर्विस होगी यहां पर आजमगढ़ की तरफ से गोरखपुर की फील्ड में। देखना है क्या करते हैं, अच्छी सर्विस उतना ही बढ़िया डिफेंस और पॉइंट। जनाब मोहम्मद मुकर्रम साहब से दरखास्त है कि आप रायपुर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों से कंटेक्ट कर लें और देख लें कि पूरी टीम आई है कि नहीं आई है। अच्छी सर्विस वहां पर और उतनी ही बढ़िया शॉट लेकिन गेंद फिर से बाहर। एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ इस एक पॉइंट के साथ वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर 21 और आजमगढ़ 17 यानी 4 पॉइंट से अभी भी पीछे है आजमगढ़ की टीम। मीडिया प्रभारी जनाब तरीकत हुसैन साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं और जनाब परवेज अहमद साहब हमारी कमेटी उनका भी शुक्रिया अदा करती है। अब सर्विस होगी यहां पर वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर की तरफ से आजमगढ़ की फील्ड में। अच्छी सर्विस वहां पर, अच्छा प्रयास देखना है और ये देखिए एक पॉइंट लेने में और सफल रहे यहां पर आजमगढ़ के खिलाड़ी।
18 और 21 का मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच। आज का पहला मुकाबला नेशनल इंटर कॉलेज बुराडिया बैग की सर्जरी में चलता हुआ, देखना है कौन सी टीम पहला मैच विजय होती है। बहुत ही मेहनत व मशक्कत के बाद इस ग्राउंड को तैयार किया गया। जो स्कोर महोदय हमारे मोहम्मद आकिब साहब, मोहम्मद अस्तान साहब, अच्छा प्रयास मोहम्मद सफल भी रहे। आजमगढ़ के खिलाड़ी हल्का सा देखा कि जगह खाली है और गेंद को वहां पर ड्रॉप कर दिया। अब 17 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा सर्विस गोरखपुर की फील्ड में अच्छी सर्विस, उतना ही बढ़िया डिफेंस और उनकी ही लाजवाब शॉट यहां पर, बहुत ही जबरदस्त फरार यहां पर देखने को मिला इमाद के द्वारा। 10 नंबर के खिलाड़ी है इमाद, बहुत ही अच्छी शॉट, अच्छा फरार कहा जाएगा इमाद के द्वारा। आपकी सर्विस उतना ही बढ़िया डिफेंस और उतनी ही लाजवाब शॉट, लेकिन उतना ही लाजवाब यहां पर ब्लॉक कहा जाएगा। एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ इस एक पॉइंट के साथ आजमगढ़ का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 20 और वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर 23। आज का शानदार यह पहला मैच चलता हुआ, अच्छी सर्विस, उतनी ही बढ़िया डिफेंस और वहां पर देखा कि जगह खाली है, बॉल को गिराना चाहते थे लेकिन एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ आजमगढ़ की घोड़ी में जाता हुआ। एक 30 और 23 का मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच। काफी देर के बाद एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज, लास्ट बॉल यहां पर विस्फोट कॉलेज गोरखपुर की तरफ से, देखना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा फरहार यहां पर जीशान के द्वारा, एक पॉइंट और हासिल किया है जीशान ने अपनी टीम के लिए। 22 और 24 का मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच। पहला सेट का मैच चलता हुआ ये इन दोनों टीमों के बीच। और ये जीशान वहां पर इसी के साथ एक पॉइंट और यहां पर होता हुआ पहले सेट का मैच समाप्त होता हुआ इन दोनों टीमों के बीच, जिसमें पहला सेट जीता स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर के खिलाड़ियों ने। 25 और 22 के मुकाबले से गोरखपुर की टीम ये पहला सेट जीता है। अब देखना है दूसरा सेट किसकी झोली में जाता है। ये आज का शानदार दूसरा मुकाबला चलता हुआ, पहला मुकाबला चलता हुआ स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच चलता हुआ।